वीजा गलत लगया, ओरिजिनल नहीं था वीजा। और बोले तो बम्बई से गए तो इमिग्रेशन वाला ऐसा था, इमिग्रेशन भी सही नहीं था वहाँ पर। एयरपोर्ट में गए तो दूसरों को दूसरी जगह नहीं जाना, वो उसका नहीं जाना जो हम शक्ल बताए। एजेंट एजेंट उसके फ़ोन में शक्ल बताया इमिग्रेशन वाले काउंटर में। अब वो तीन नंबर काउंटर पे ही जाओगे, तीन नंबर पे नहीं गए थे, पाँच नंबर पे चले। पाँच नंबर पे गए तो दोनों भी एक जैसे थे, बोले पाँच पे चले। पाँच पे जाने के बाद में फिर मैंने तीन नंबर वाला पीछे से इशारा किया, नहीं इधर आओ। इधर आए तो इधर से पास कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद उधर छोड़ने के बाद ये पेपर फाड़ के फेंक देना। क्यों फेंकना? बोले तो ये असली नहीं है वीज़ा। ये बात किसने बताया क्या? एजेंट वो इमिग्रेशन वाले पीछे से। ये अब रखना है क्या में? आप आगे के एयरपोर्ट पे गए, चेकिंग हुई मशीन में, मैं जाओ के वहाँ चेकिंग हुई तो पकड़े जाते हैं। वहाँ पकड़े गए तो हम लोग वहाँ जिम्मेदार भी, आप लोग ही जिम्मेदार। यहाँ पकड़े जाओ या वहाँ पकड़े जाओ, हम लोग जिम्मेदार भी, आप लोग जिम्मेदार। आप लोग क्या करते कर लेना, हम जैसा बोल रहे वैसा सुनना। ये पूरा फाड़ के फेंक डाल पेपर टॉयलेट में या डस्टबिन में फेंक डाल। मैंने फाड़ी, क्यों बोले तो मेरे को इससे पहले भी गई मैं, मेरे को मालूम था ये पेपर नहीं फाड़ू, इसलिए मैं नहीं फाड़ू कि आज मैं रख लूँ पेपर छुपा लेते। वहाँ पर जाके कफिल को भी नहीं रोके, कफिल ले लेना पेपर रोक के उसको भी नहीं रोके। उसको जाके खाली बोरे 1400-1500 देते बोले थे। मैं बच्चियाँ छोटे बच्चियों के लिए मैं मजबूरी से बच्चियों का कुछ भी सोची हूँ, बस मेरे को लड़के नहीं है, तीन भी लड़के हैं, लड़कियों के लिए आए बोलते हो। नहीं नहीं एजेंट से हम पहले से बात करते थे, इतना इतना देते और इतना काम। मैं बोली काम के लिए थकती हूँ, काम पूरा कर। अब उसके बाद चले जाते हूँ, बोले इतने पैसे दे देंगे, बोले तो वापस चले जाते हूँ, मैं नहीं रहना चाहती। उसके बाद में से कफिल मारना, बात की सही नहीं करना, काम ज़्यादा लेना और ज़्यादा रातों में नहीं सोने देना। रात में सोए तो लातों से मार के उठाना पैरों से। उसके बाद में तो फिर तबीयत खराब हो गई मारने से, मेरा ऑपरेशन हुआ, पेट पे भी लात मारा तो पेट में दर्द होकर तबीयत खराब हो गई। उसके बाद दवा खाने को नहीं लेते गए, घर में जो दवाया हमें वही दे रहा। दवा खाने को लेकर चलो, बोले तो फिर दवा खाने को लेकर गया तो हम लोग बोले एहामा लाओ या पासपोर्ट लाओ, तो हम लोग दवा लेते। अब एहामा भी नहीं है, पासपोर्ट उसके घर में है, एहामा कहीं को नहीं बनाए। बोले तीन महीने हो गया एहामा अब तक क्यों नहीं बना? नहीं तीन महीने के बाद बनाने का है यहाँ पर, अब वैसा रूल्स निकला। उसके बाद में से फिर एहामा आठ दिन में बनाया, मैं नहीं रहना चाह रही, बोले तो आठ दिन में बनाया। बना के फिर जाना चाह रहे क्या आप? बोले तो मैं बोली हाँ जाना चाह रही, मैं नहीं रहना चाह रही। तो आप मैं 15,000 दिया यहाँ के दिया सऊदी के, वहाँ के होते 3,00,000 के खरीद इंडिया के, तुम पूरे पैसे मेरे को दे दो या आप कहने सोना है, आप सोना दे दो या पैसे दे दो, दोनों में से एक चीज़ दे दो छोड़ डाल दो मैं चले जाओ। तो उसने किसको दिया था? एजेंट को पैसे दिया उन्हें, यहाँ के एजेंट बम्बई के एजेंट को पैसे दिया सावेर ने, उन्हें सावेरी नाम मिला। सावेर बोला मेरा दखल नहीं है उसमें, सलाउद्दीन का है। सलाउद्दीन बोला मेरा दखल नहीं है सावेर का है, दोनों एक पे एक डाल लेते नाम। अब सावे पूरे पैसे वे खा लेके कर लेके मैं यश नहीं बोला सलाउद्दीन का है। बोला सलाउद्दीन से भी फ़ोन पे बात करे तो सलाउद्दीन बोला ठीक है मैं बुलाता हूँ सावेर से बात करके। सावेर को बात करके मैं बुलाने लगा, क्यों कहीं नहीं रहना चाह रहे, मैं पैसे बोल के बढ़ाता हूँ पैसे देने लगा हूँ। मैं बोली आप पैसे देने लगाते सही बात है, बीमार पड़े तो दवा नहीं यहाँ पर, और एक तो मार के उठा रहे, बीमार पड़े तो अभी फ्रिज का पानी ला के डाल दे रहे ठंडा, और ज़्यादा बीमार हो जाना मुझे, फिर भी काम कर रही हूँ मैं नहीं बोलते। चार महीने होने आ रहे मेरे को एक रुपया नहीं दिया तनख्वाह सैलरी, मैं बच्चियों को कैसा भेजूँ पैसे? बच्चियों का भी स्कूल है, फीस है स्कूल की, हर चीज़ है। नहीं नहीं मैं बोल के दिलाने लगा तू या दूसरे खदामा को भिजाता हूँ, आपके पैसे भी वापस आते आप भी वापस आए। यहाँ के एजेंट बम्बई के एजेंट हो गए अच्छी बात है बोलते। अब तीन चार महीने हो गए करीब करीब, अब बुलाते जब बुलाते बुला रहे इसने न, बाद में पेपर में मैं डाले पुलिस केस करे पेपर में डाले तो जब फ़ोन करे हाँ ऐसे ऐसा पेपर में डाले करते आपके शौक, हाँ आप लोग नहीं सुन रहे तो पेपर में डाले, आपको कितने बार बोले बुलाओ बुलाओ आप लोग सुन रहे हैं, आज करते कल करते आज करते कल करते। फिर टिकट के लिए बुलाओ पैसे चलो इतने दे दिए ना आप
चार महीने की तनख्वाह ही दे दी सैलरी, फिर वो बाकी के पैसे और 6,000 हमारे भांजा है वहाँ पर रियाज में, उन्होंने दिए 6,000 और पूरे पैसे दे देके मैं वापस आई। वो सही भी भिजाया नहीं, बस में बिठा रहा छोड़ रहा, पाकिस्तानी के हाथ में पासपोर्ट पेपर्स दे दिया टिकट को दे देके, वो पाकिस्तानी वहाँ पर फेंक दो बोला पाकिस्तानी कचरे यहाँ से, एजेंट बोला कहते उसको भिजाओ ना वहीं रखो, जबरदस्ती एजेंट पीछे रख के वहीं रखो बोला, मार के करके वहीं पर ही रखो मगर भिजाओ ना। अब वो पासपोर्ट वह फेंक दिया, मैं वहाँ के पुलिस में जाती बोली लोगों को जमा करती बोले, तो जब पासपोर्ट निकाल के दिया कचरे में से, निकाल के देने के बाद वहाँ का फ्लाइट मिस हो गया, दूसरा फ्लाइट था रात के 11 बजे दम्मम से। अब वहाँ से टैक्सी पकड़ लेके मैं 4 बजे निकली तो 7:30 दम्मम पे आए बाद में से, फिर वो यहाँ का फ्लाइट मिला हैदराबाद का, अब यहाँ पर आ गए बाद में से उसकी मुबीन की भी यहाँ के एजेंट की, आप आ गए ना केस वापस ले लो। मैं बोली ठीक है मैं केस वापस ले लूँ, आपके शोहर को आओ बोलो सामने बात करो बोलो पुलिस स्टेशन में आके बात करें तो मैं भी बात करती हूँ। हाँ भाई मैं केस वापस लेती हूँ, एजेंट को बोलो इतना पैसा हमारा हुआ पैसा दे रहा हूँ, आप तो इतने खा लिए कफिल से पैसे 3 लाख के करीब हमारे इतने खर्चा हुए इतने दे रहा हूँ, मैं बच्चियों के लिए गई थी बच्चियों का पैसा है, अच्छी बात है मैं भिजाती हूँ हमारे शोहर को आप बात करो ठीक है, भिजाइश नहीं उनके लिए। फिर 8 दिन के बाद फिर फोन मारे, क्या हुआ पुलिस वाले हमारे घर पर फिर रहे जवाना उनके पास हमारे शोहर के लिए, तुम केस वापस क्यों नहीं ले रहे? मैं बोली मैं केस वापस ले रही हूँ, सलाउद्दीन और साबिर पकड़े जाना, आपके शोहर का कुछ नहीं है उसमें, पासपोर्ट लेके जाके दिए उन्हें उन लोगों को, सलाउद्दीन साबिर पकड़े गए तो अभी बहुत सी लेडीज निकलती वहाँ से, मैं अकेली हूँ बोलते नहीं, बहुत मुसलमान है अपने हैदराबाद के है बांग्लादेश के हर हाँ जगह के है, मैं तो कितने होंगे अंदाजा 500 के करीब है, तो कानूनों से भी ऐसी ऐसी हरकतें होते हैं कि हरासमेंट होते हैं, लोग क्या काम करते रहते हैं उन लोग भी घर के काम पे ही जाते हैं, अब यहाँ पर कुछ कम है ना यहाँ पर कम था यहाँ सिलर ना मिलते वहाँ पर जाते बच्चों के लिए घर के लिए, तो उन लोगों के साथ भी ऐसी हरासमेंट, हाँ उन लोगों के साथ भी ऐसी, उन लोगों के साथ फिलीपीन की तो एक जने को मार के फेंक डाले रोड पे, उसका कफीर बदमाशी करके मार के रोड पे फेंक दे के चले गया, दूसरे लोग उठा के वहाँ के बड़े इसको लीडर को बात कर लेते बुला के दवाखाने में भी जाए पूछे पुलिस वो आके पूछी बाद में फ़ोन करे ऐसी हरकत बोले तो बाबा बोली वंच मर गई, ऐसा करते हैं हम झूठ बोलते भी जा लेते यहाँ से सही बोलते हाँ हाँ हम वहाँ अच्छी जगह भी जाते आप बेफिक्र रहो आप परेशान मत हो आपकी जगह आपके जैसे आपके घर के जैसे रहते सो जने वैसा बोलते भी जाते। तो आप कैसा बच निकले वहाँ से ऐसे हालतों से? मेरे को पेपर में डाले यहाँ पर, पेपर में डालने के बाद उसके व्हाट्सएप पे डाले पूरा जो पेपर में जो डाले वो उसके व्हाट्सएप पे डाले, कपिल ऐसा ऐसा हरकत कर रहा छोड़ना चाहता नहीं बोला ये वो भी जाता नहीं बोला बोले, तो व्हाट्सएप पे आते कि चुने डर गया कपिल, हाँ हाँ तुम लोग पेपर में क्यों डाले मैं भिजाता हूँ अभी नहीं थोड़े दिन के बाद किया, तो मैं बोली हाँ फिर आप जैसा करें वैसा, उनके बीवी भी बैठे मैं भी बैठी हूँ बैठ के बात करें, तो बीवी के सामने उन्होंने झूठ बोले नहीं मैं मार के उठाया इसने बोले, मैं बोली आप बीवी है ना इसलिए शोहर है आपके झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आपको पहले बोली हमारे शोहर ऐसे है ज़रा बच के रहें, मैं बोली हमारे बाबा की जैसे उम्र के हूँ बाबा इस बोले और गलत काम नहीं करे और गलत बात नहीं करें उनसे जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, नहीं रहना है मेरे को भी जा दो अच्छी बात है फिर जाकर वापिस आते क्या बोल रहे अभी मारे बाद में से भी अब बचना है बोले, तो मैं बोली आओ जाकर वापिस आते झूठ बोले, तो कितने दिन में आते 1 महीने में आते 15 दिन में आते कितने दिन में, मैं 3 महीने का लगा रहा हूँ छुट्टी 3 महीने में आप कभी भी आ सकते, हम ये ठीक है मैं 3 महीने में आ सकूँ मेरे को भिजा डालो अच्छी बात है, तो टिकट आपके शोहर को कर दो बोलो वो टिकट भी मैं नहीं करती अच्छी बात है टिकट का भी कर लेते बोलते टिकट का भी हम लोग मैच कर लिए यहाँ से इंडिया से भिजाया उस पर आते वापिस बोले तो छूट बोल के निकली मैं हाँ वहाँ तुम तो आप एम्बेसी को अप्रोच नहीं करें वहाँ के पुलिस को या एम्बेसी को कुछ ऐसा अप्रोच करने के लिए कोशिश करें वहाँ के एम्बेसी को यहाँ पर खालिद भाई है ना अमजदुल्ला खान के खालिद भाई ने वहाँ के एम्बेसी को गए उनके लोग हैं वहाँ पर एम्बेसी में
उनके लोगों ने फिर वहाँ पर फ़ोन करे मेरे को, क्या हो रहा है क्या नहीं आपके साथ बोलो, या एम्बेसी वाले आपके घर पर आते आपको लेकर जाते हैं। अब अल कसीम से जाने मेरे पूरिया से 500 किलोमीटर है, मालूम नहीं मेरे, एक तो खाना नहीं, वीज़ा नहीं, कुछ भी नहीं, पकड़ लेते थे बाहर के लोग, इसलिए मैं घर के बाहर नहीं थी, फ़ोनों पर ही बात करते थे सबसे। ताहिर भाई हुए सब मिलकर हेल्प करे मेरी वहाँ पर, इन्हों काले थे तो ज़्यादा हेल्प करे मुझे बचाने के लिए। अभी और बहुत सी लेडीज है बचाना है तो अब वो एजेंटों को पकड़ना है, साबिर को, सलाउद्दीन को, अभी और कौन कौन एजेंट है नहीं, असल तो है इमिग्रेशन वाला, उसको ही पकड़ना है ऐसा। उन्हें जो झूठ बोल के कर रहा अंदर, जो झूठ बोल के भिजा डाल रहा, पास कर दे रहा उन लोगों को, तो उस पर कार्रवाई करना है सब। उसका कुछ नाम पता है? उसका नाम नहीं है।